परिचय गुड़ का सेवन करने से शरीर में होने वाले कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। मिठाई और चीनी की अपेक्षा गुरु अधिक लाभकारी है। आजकल चीनी का प्रयोग अधिक होने के कारण से गुड़ के उपयोग कम ही हो रहा है। गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है। गुड़ में सभी खनिज द्रव्य और क्षार सुरक्षित रहते हैं। गुड़ से कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे हलुआ, चूरमा तथा लपसी आदि। गुड़ खाने से थकावट मिट जाती है। परिश्रमी लोगों के लिए गुड़ खाना अधिक लाभकारी है। मटके में जमाया हुआ गुड़ सबसे अच्छा होता है। पुराना गुड़ का गुण, पुराना गुड़ हल्का तथा मीठा होता है। यह आंखों के रोग दूर करने वाला, मुख को बढ़ने वाला, पित्त को नष्ट करने वाला, शरीर में शक्ति को बढ़ाने वाला और वात रोग को नष्ट करने वाला तथा खून की खराबी को दूर करने वाला होता है। नया गुड़ से हानि, नया गुड़ कफ, खांसी, पेट में कीड़े उत्पन्न करने वाला तथा भूख को बढ़ाने वाला होता है। गुड़ का प्रयोग दूसरे पदार्थों के साथ सेवन करने पर इसके गुण, अदरक के साथ गुड़ खाने से कफ खत्म होता है। हरड़ के साथ इसे खाने से पित्त दूर होता है तथा सोंठ के साथ गुड़ खाने से वात रोग नष्ट होता है। गन्ने का रस निकालकर इसे आग पर पकाकर गुड़ बनाया जाता है। वैज्ञानिक मतानुसार 100 ग्राम गुड़ में लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग खनिज द्रव्य होता है। चीनी में खनिज द्रव्यों और क्षारों का अभाव होता है, इसलिए चीनी की अपेक्षा गुड़ खाना अधिक लाभकारी होता है। गुड़ में विटामिन B1, B2, विटामिन C और अल्प मात्रा में विटामिन A होता है। गुण, गुड़ पेट को हल्का तथा साफ करता है। यह आंतों के घावों को ठीक करने में लाभकारी है तथा सर्दी जुकाम की अवस्था में इसका सेवन करना अधिक फायदेमंद होता है। यह कफ को नष्ट करता है तथा हाजमे को बढ़ाता है। गुड़ खांसी और सांस को रोकता है। हानिकारक गुड़ का अधिक मात्रा में सेवन करना गर्म प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकता है। बसंत ऋतु में गुड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में इसका सेवन हानिकारक हो सकता है। पित्त प्रकृति वालों को भी नया गुड़ कभी नहीं खाना चाहिए। मोटापन, बुखार, भूख कम लगना, जुकाम और मधुमेह आदि रोगों की अवस्था में गुड़ नहीं खाना चाहिए। उड़द, दूध अथवा तिल के साथ कभी भी गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए।